हाउ टू अप्लाई ए क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टेकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डीना बैंक या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारे हर चैनल का अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज। हमारी टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज, 24/7 सपोर्ट, एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट। दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आना होगा paisebazaar.com पे। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप paisebazaar.com के साइट से किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पेज पे आना होगा। ये पेज पे आने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पर क्लिक करने के साथ साथ आप ये आर्टिकल पे आ जाओगे, जिस आर्टिकल पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक में। तो आप चाहो तो आर्टिकल पढ़ के भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर ये आर्टिकल में नीचे लिंक में क्लिक करने के बाद ये आर्टिकल में पहुंच जाएंगे। आप वीडियो देख के करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। क्लिक हेयर टू विजिट पैसेबाजार साइट इफ यू आर रिडायरेक्टेड फ्रॉम YouTube, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप ये पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि paisebazaar.com से आप कैसे किसी भी क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक डिटेल हम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे आप ये साइट में आएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कंपेयर एंड गेट द बेस्ट कार्ड डेट सूट्स योर लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, आपके बजट या फिर आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो है paisebazaar.com आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख सकते हो कि 50 से प्लस जो है टॉप बैंक्स का क्रेडिट कार्ड ये अप्लाई, ये प्रोवाइड करती है paisebazaar.com। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ देख सकते हो कि नो योर क्रेडिट कार्ड अप्रूवल चांसेस, इंस्टेंट अप्रूवल ऑन योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, इंस्टेंट जो है आपका एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना होगा, ये साइड में आने के साथ साथ आपको यहाँ पे सैलरी जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ठीक है। यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और महीने का सैलरी लेते हो तो आपको सैलरी सेलेक्ट करना है, ठीक है, और सैलरी सेलेक्ट करना है। या फिर यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आप एक यूट्यूबर हो, या फिर ऑनलाइन कुछ आप फ्रीलैंसिंग में काम करते हो, या फिर आपका जो भी काम है वो आप व्यक्तिगत करते हो, प्रोफेशनल बिजनेस नहीं हो के प्रोफेशनल आपका है, जैसे कि आपका एक ट्यूशन सेंटर है, तो ऐसा कुछ आप करते हो तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है, ठीक है। या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कर सकते हो, आपका कोई एक दुकान है या फिर किसी चीज़ का बिजनेस करते हो, लेकिन वो बिजनेस में सिर्फ आप ही खुद काम करते हो, तो आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये इनमें से जो भी आप करते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैं सैलरी कर लेता हूँ। सैलरी सेलेक्ट करने पर दोस्तों, आपको यहाँ पे मंथली इनकम भरना होता है, ठीक है। और यदि आप ये दो में भरते हो, ये दो में कोई भी आप सेलेक्ट करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, तो आपको एनुअल इनकम भरना होता है, यानी कि साल भर में आपका कितना कमाई है वो भरना होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं सैलरी कर लेता हूँ और यहाँ पे 30,000 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लगभग इंडिया का हर सिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर हर कोई अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कोई, जो भी आपका सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना होगा, आपका मोबाइल नंबर, और ध्यान रखिए आपको वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा, जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, ठीक है। वही मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंगली आपको जो है क्रेडिट कार्ड जो है वो सजेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म ऑफ यूज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद। तो आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग हर बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको दिखाई देगा। तो जो भी बैंक का आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो बैंक तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है जितना भी अवेलेबल है वो आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है, यहाँ पे फिल्टर बाय बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो आप बैंक वाइज आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बैंक वाइज आप चेक कर सकते हो कौन सा बैंक में आपको अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड, वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे फीस फिल्टर आता है, ठीक है। आप बिना पैसे, बिना फीस दिए आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो या फिर प्रीमियम आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद रिवॉर्ड फिल्टर, आपको
फ्यूल वेवियर का आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, या फिर शॉपिंग का क्रेडिट कार्ड चाहिए, ट्रेवल का चाहिए, या फिर डील्स ऑन मूवी का चाहिए, लॉन्च का चाहिए, डाइनिंग का चाहिए, यदि आप स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जनरल लेना चाहते हो तो आप सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स आ गया, ये सारा कार्ड्स है, और यहाँ पे फीचर्स है, ठीक है। फीचर्स दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो सारा कुछ आपको यहाँ पे फीचर्स दिया गया है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको किस किस चीज़ों का, किस किस लाभ का आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि गेट बुक माई शो वाउचर, यदि आप 2000 का इन्वेस्ट कर, 2000 आप ये कार्ड में 30 डेज के अंदर में आप यदि 2000 का आप पैसे शॉपिंग करते हो तो आपको 1000 आपको वाउचर मिलता है बुक माई शो के लिए। और यहाँ पे गेट 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन स्पेंड ऑफ 1000 विद इन फर्स्ट 60 डेज, यदि 60 दिन के अंदर में आप 1000 का भी आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो आपको यहाँ पे 2500 का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा कुछ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो है इसका फीस जो है, इसका फीस आपको यहाँ पे 1000 रहेगा, ये पर ईयर रहेगा एनुअली, ठीक है, एनुअली आपका रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि आपका जो है स्पेंड्स कैटेगरी है ये, मतलब कितना स्पेंड्स करने पर आप कितना सेव करते हो, वो सारा कुछ आपका फीस वगैरह सारा कुछ शो किया है, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों रिवॉर्ड वैल्यूज, ठीक है, यानी कि आप एक साल में 4 लाख का आप इस क्रेडिट कार्ड को 4 लाख तक का वैल्यू आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 10,245 रुपया जो है ये आपको कैशबैक दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों हर क्रेडिट कार्ड का अलग अलग फीचर्स, अलग अलग यहाँ पे जो स्कीम्स है आप चेक कर सकते हो, आप खुद से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हो आपको दूसरा पेज खुलेगा जहाँ पे आपको आपका पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए आपको कहा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्यूपेशन भरना होगा आपको, यहाँ पे आपको एनुअल इनकम आपको भरना होगा, ठीक है, आप साल में कितना कमाती हो, आपका सिटी भरना होगा, तो आपका पूरा नाम भरिएगा जो आपका पैन कार्ड पे है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरिए और ईमेल आईडी भरिएगा, उसके बाद आपका पिन कोड भरना होगा, और यहाँ पे योर प्रोफेशनल टाइप पे अदर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपका योर सैलरी बैंक अकाउंट, आप यहाँ पे जो भी आपका सैलरी बैंक अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉन का ऑप्शन भी आता है चाहे तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपके पास और भी दूसरे कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है क्या, तो यदि है तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास कोई एक्टिव लोन है, यानी कि आपने कहीं पे लोन लेके रखा है और फिलहाल वो एक्टिव है, तो यदि है तो आप यस कीजिए या फिर नो कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे अभी जो है अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड वी कुड नॉट फाइंड एनी मैचिंग कार्ड ऑफर्स फॉर यू। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने स्क्रीन शॉट लेके रखा है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि हम अप्लाई करने पर हमें यही बताया जाता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है उसके अनुसार हम कोई भी कार्ड आपको नहीं दे पा रहे, यानी कि मैचिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों यदि मैच हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई अप्रूवल, यानी कि आपको फाइनल प्रोसेस होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में यही होता है। वैसे तो मैंने ई अप्रूवल भी करवा के रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर केस में यही हमें शो करता है। तो ये केस में आपको क्या करना है, यदि आपको ये शो हो रहा है, ये जी समझ लीजिए कि आप अप्लाई प्रोसीड पर क्लिक किया और ई अप्रूवल पर आप चले गए, तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना होता है और सबमिट करने के बाद में आपको क्रेडिट कार्ड वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको ये शो करता है, यानी कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड वी कुड नॉट फाइंड एनी मैचिंग कार्ड्स फॉर यू, तो ये केस में आपको क्या करना है, आपको बताया जा रहा है कि या तो पर्सनल लोन ले लीजिए या फिर डेबिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये केस में क्या होता है कि आप सिंपली जो है ये टूल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, या फिर यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप paisebazaar.com का एग्जीक्यूटिव से आप बात कीजिए और बात करके बताइए किस लिए मेरा जो है कार्ड जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं दिखा रहा है, बोल के उनसे बात कीजिए, ठीक है। वैसे तो दोस्तों ऐसे आप 12,000 अबव भी आप महीने का सैलरी लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप वैसे ले ही सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए उतना तकलीफ नहीं है, उतना डिफिकल्ट नहीं है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आप सिंपली ये नंबर पे कॉल करके एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिए, ऐसा ऐसा आपको, तो वो आपको सारा कुछ सजेस्ट कर लेगा यदि ये केस में, ठीक है। तो यदि आपका यहाँ पे ई अप्रूवल, यहाँ पे सब प्रोसीड करने के बाद ई अप्रूवल पहुँच जाता है, तब तो आपको कुछ और पर्सनल डिटेल्स डाल के आपका डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके जो है सबमिट कर देने के बाद क्या होता है कि वो आपको कॉल करके आपका सारा कुछ कंफर्मेशन करेगा और आपको बाय पोस्ट जो है आपका क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपना
किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड को जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।